देखिए पोएम क्या, तुम ही बंधु तुम ही सखा हो, अर्थात तुम ही भाई हो, तुम ही सखा मीन्स मित्र हो, तुम ही माता पिता हमारे हो, चीटी से हाथी तक सबके रखवाले हो प्यारे हो। अर्थात ईश्वर से कहा जा रहा है कि तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे मित्र हो और तुम ही मेरे माता पिता हो। चीटी जो कि एक छोटा सा जीव है और हाथी जो इतना बड़ा जीव है, सबके रखवाले रक्षक हे प्रभु आप ही हैं। मांग रहे आदेश तुम्हारा सूर्य चंद्र धरती अंबर, रचे तुम्ही ने हे प्रभु सारे गिरी नदियाँ जंगल सागर। ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु सूर्य चंद्र धरती और अंबर मतलब आकाश सब तुम्हारे आदेश पर चलते हैं। मतलब ईश्वर कहता है तो सूर्य निकलता है और ईश्वर के कहने से ही चंद्रमा भी कार्य कर रहा है। और तुमने हे प्रभु गिरी, गिरी मीन्स पर्वत, नदियाँ और सागर समुद्र आदि की रचना भी भगवान आप ही ने इनको बनाया है, इनकी रचना की है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी तुम्हारी हैं सत्ता है। जितने भी अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, भले वो इस पृथ्वी पर अलग हैं पर वो सब किसकी संतान है, एक ही ईश्वर की संतान है। अपने अपने ढंग से सभी पूज रहे तुमको भगवान, उनके पूजा करने का ढंग अलग अलग है। जैसे हिंदू मंदिर में भगवान की पूजा करता है, मुस्लिम अल्लाह की पूजा करता है और गुरुद्वारे में सिख जाता है, तो सबके पूजा का ढंग और उनके ईश्वर अलग अलग हैं पर ईश्वर एक ही है। हम हैं बालक जग के पालक, हमको राह दिखाओ। हम हैं बालक अर्थात हम छोटे से बालक हैं और इस जग के पालक, पालक मतलब जग के पालक मतलब जग के सृजनहार, हमको आप रास्ता दिखाइए, हम छोटे छोटे बालक हैं। सच्चाई सेवा के पथ पर चलना हमें सिखाओ। 25 वर्ष से सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ईश्वर की शक्ति अपरंपार है। अब हम इस पोयम को लिखेंगे सुंदर सुंदर राइटिंग में। तो चलिए लिखिए। तुम ही बंधु, सूर्य
अगला है इसका हिंदू मुस्लिम